Assalamu alaikum juniors, how are you all? I'm your science teacher, as you know me very well, and I wish a warm welcome to all of you in the online class of FAI. Moving to the next topic of your chapter, that is radiation from the chapter heat, chapter number 4. So students, अब ये जो हमारा आज का टॉपिक है रेडिएशन, इससे पहले मैं आपको ये याद दिला दूं दैट हमने मेथड्स पढ़े थे, हमने तरीके पढ़े थे जिससे कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है ना। पहला हमने पढ़ा था कंडक्शन, दूसरा हमने पढ़ा था कन्वेक्शन, और तीसरा और लास्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं जो कि रेडिएशन है। रेडिएशन जो है वो तीसरा और लास्ट मेथड है किसका, ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। तो हम आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन आई होप समझ आ गया होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेडिएशन के बारे में, उसकी ओर चलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। द प्रोसेस बाई विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम। स्टूडेंट्स, रेडिएशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक हीट जो है वो ट्रांसफर होती है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम। इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टूडेंट्स, रेडिएशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफर होती है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक, लेकिन इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कंडक्शन में पढ़ाया है वो हमेशा सॉलिड्स में होता है, ठीक है, और कन्वेक्शन किस में होता है, लिक्विड्स एंड गैसेस में, लेकिन रेडिएशन में इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। जैसे कि कंडक्शन को मतलब सॉलिड्स की ज़रूरत पड़ी क्योंकि वो मतलब वो सॉलिड्स में हमेशा होता है, उसको सॉलिड एक मीडियम है। कन्वेक्शन को किसकी ज़रूरत पड़ी, लिक्विड्स एंड गैसेस की, जो कि एक मीडियम है इसका कन्वेक्शन का, लेकिन रेडिएशन जो है इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब रेडिएशन होती है, अगर इसको मीडियम प्रेजेंट भी होगा या नहीं भी होगा, इसको कोई परवाह नहीं है, तब भी रेडिएशन हो जाती है, ठीक है ना। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट, सारे हॉट ऑब्जेक्ट्स जो हैं, सारे हॉट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सब हीट रेडिएट करते हैं, ठीक है ना। सारे हॉट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सब हीट रेडिएट करते हैं, मतलब सारे के सारे हॉट ऑब्जेक्ट्स जो है वो सब हीट ट्रांसफ़र करते हैं बिना किसी मीडियम के, बट हर एक डायरेक्शन में, ठीक है ना। सारे हॉट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हीट रेडिएट करते हैं हर एक डायरेक्शन में, ठीक है, समझ में आया। तो रेडिएशन आपने समझ लिया होगा, रेडिएशन कौन सा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जब हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक, ठीक है ना, लेकिन इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि कंडक्शन को सॉलिड्स की पड़ी, कन्वेक्शन को लिक्विड्स एंड गैसेस की पड़ी, और रेडिएशन को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। रेडिएशन अगर होगी, रेडिएशन जब होती है, अगर इसको मीडियम हो या ना हो तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये तब भी हो जाती है। ये जो सारे हॉट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सब हीट रेडिएट करते हैं हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। जो रेडिएशन है स्टूडेंट्स, इसके बेस्ट एग्जाम्पल हम ले लेंगे हीट फ्रॉम द सन रीच टू अर्थ। जब सन से जो हीट आती है वो कहाँ पहुँचती है, अर्थ पे, जहाँ हम रहते हैं, ठीक है ना, किस प्रोसेस से, रेडिएशन प्रोसेस से, ये मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बोला रेडिएशन प्रोसेस जो है उसकी बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी है, जो सन से जो हीट ट्रांसफ़र होती है ग्राउंड तक। अब स्टूडेंट्स, सन से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है ग्राउंड तक, इसको इसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। जब सन से हीट ट्रांसफ़र होगी ग्राउंड तक, इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप बोलोगे स्टूडेंट्स, मैम सन और ग्राउंड के दरमियान तो हवा प्रेजेंट है, इसको किसी मीडियम की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, इधर पे इधर तो हवा प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, हवा जो है, एयर जो है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है ना, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, और गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं एक दूसरे से, उनमें उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, ठीक है। एयर गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं एक दूसरे से, उनके उनमें उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है। अब सन और ग्राउंड के दरमियान जहाँ जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, जैसे मैंने आपको बोला उनके बीच में बहुत स्पेस होती है, अब सन और ग्राउंड के दरमियान जहाँ जहाँ पे जिस जिस जगह पे गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, उधर पे खाली जगह होगी, है कि नहीं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे उधर पे तो खाली जगह होगी ना, उन्हीं खाली जगहों के थ्रू क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र हो जाती है ग्राउंड तक,
ठीक है, जहां जहां पे गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं सन और ग्राउंड के दरमियान, क्योंकि उनके बीच में बहुत स्पेस होती है, उन्हीं स्पेसेस के थ्रू, उन्हीं स्पेसेस के जरिए क्या होती है, उन्हीं खाली जगहों के जरिए ही ट्रांसफर हो जाती है ग्राउंड तक। समझ में आया? अब मत इसको किसी मीडियम की जरूरत पड़ी ही, क्योंकि जब हीट ट्रांसफर हो गई सन से ग्राउंड तक, इसने इन एयर मॉलिक्यूल्स को छेड़ा ही नहीं, हीट ने इन एयर मॉलिक्यूल्स को छेड़ा ही नहीं। इसने क्या किया, जहां पे स्पेसेस थी, जहां पे खाली जगह थी, जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं थे, वहीं उन्हीं खाली जगहों के थ्रू हीट ट्रांसफर हो गई ग्राउंड तक। इसने मतलब इसको मतलब किसी मीडियम की जरूरत पड़ी, क्योंकि इसने इन एयर मॉलिक्यूल्स को छेड़ा ही नहीं। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम, अब अगर ये एयर मॉलिक्यूल्स को छेड़ता ही नहीं है, तो फिर हवा गर्म कैसे होती है? ठीक है ना, ये भी मैं आपको बोलूंगी। देखिए स्टूडेंट्स, जब हीट ट्रांसफर होती है ग्राउंड तक, तो जो ग्राउंड है वो गर्म हो जाता है। ठीक है ना, वो ग्राउंड जो है वो गर्म हो जाता है, और ग्राउंड के ऊपर जो हवा है ना, हवा वो भी गर्म हो जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि ग्राउंड जो है वो गर्म है, ग्राउंड के ऊपर जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी। जब वो गर्म हो जाएगी, जैसे मैंने आपको कन्वेक्शन में पढ़ाया है, जब गैस हो या लिक्विड हो, जब इसको हीट किया जाता है, तो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हो जाते हैं, वो लाइटर हो जाता है और वो राइज अप हो जाता है। ऐसे ही जो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर जो हवा है, जब वो ग्राउंड की वजह से हीट अप हो गया, वो हवा, वो जो गर्म हो गया वो हवा, उसकी वजह से क्या हो गया, वो लाइटर हो गया और ऊपर राइज अप हो गया, ऊपर गया, ऊपर चला गया वो। ठीक है ना, जब वो ऊपर चला गया तो हवा जो है वो गर्म हो जाती है। समझ में आया? हो गया ना इधर पे कन्वेक्शन, इसको कन्वेक्शन बोलते हैं ना। गुड, तो ये था रेडिएशन प्रोसेस, जिसमें क्या हुआ, जिसमें सन से हीट जो है वो ट्रांसफर हो गई ग्राउंड तक, बिना इन एयर मॉलिक्यूल्स को छेड़े, क्योंकि गैस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी ज्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से, काफी स्पेस होती है, उन्हीं स्पेसेस के थ्रू क्या है, हीट ट्रांसफर हो गई ग्राउंड तक बिना इन मॉलिक्यूल्स को छेड़े, इसको किसी मीडियम की जरूरत पड़ी ही नहीं। ठीक है, तो ये था रेडिएशन। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।